please subscribe to my channel. For more videos, click on the bell icon. Hello friends, welcome to the All Weld Solution channel. Friends, आज हम लोग देखेंगे कि welding का joint preparation कैसे होता है, क्या root gap होता है, root face किस चीज को बोलते हैं, root face कितना होना चाहिए, included angle क्या है, bevel degree क्या है. तो जैसे कि किसी भी welding process में आप work करते हो, तो अलग-अलग application में अलग-अलग shape के weld design होते हैं. तो आज हम लोग देखेंगे कि root gap, root face, बेवेल एंगल, ये सब चीज की इंफॉर्मेशन आज हम लोग देखेंगे. जैसे कि अगर आप वेल्डिंग सीखना चाहते हो या आप आईटीआई वेल्डर हो, तो सबसे पहले रूट गैप, रूट फेस क्या होना चाहिए, असेंबली का प्रिपरेशन कैसे होता है, पाइप वेल्ड का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये सब चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी होती है. तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. वेल्डिंग करने से पहले जॉइंट का सही प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि आपका जॉइंट विद बैकिंग स्ट्रिप है या विदाउट बैकिंग स्ट्रिप, यानी कि ओपन रूट है, वो देखना ज़रूरी है. दूसरा, जब आप पाइप में वेल्डिंग करते हो तो रूट फेस कितना रखना है, रूट गैप कितना रखना है, उसका प्रिपरेशन भी देखना ज़रूरी है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो प्लेट को विद बैकिंग स्ट्रिप यहाँ पर जोड़ा है, तो उसका जॉइंट प्रिपरेशन कैसे होगा, बीवेल डिग्री क्या है, वो इंक्लूडेड डिग्री क्या है, वो अभी हम लोग देखेंगे. जैसे कि बीवेल डिग्री यानी कि दो प्लेट को जोड़ने के लिए एक सिंगल प्लेट में जो डिग्री मारी जाती है, तो सिंगल प्लेट की डिग्री को बीवेल एंगल बोला जाता है, जो कि यहाँ पर हाईलाइट हुआ. दूसरा है इंक्लूडेड एंगल. इंक्लूडेड एंगल यानी कि दोनों प्लेट का बीवेल डिग्री टोटल जो एंगल होता है उसको ग्रू एंगल या इंक्लूडेड एंगल बोला जाता है. जैसे कि जॉइंट का डिज़ाइन एज पर बेस मेटल की थिकनेस होता है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे 30 to 45 डिग्री टोटल एंगल, ऊपर की डिज़ाइन में 60 to 75 इंक्लूडेड एंगल दिखाया है, तो उसका जॉइंट प्रिपरेशन यहाँ पे देख सकते हो कि बीवेल और इंक्लूडेड एंगल कैसे होता है. एक डायग्राम में दिखाया गया है कि रूट फेस क्या है, रूट गैप क्या है, ग्रू फेस क्या है. तो इसी तरह से जॉइंट का डिज़ाइन और जॉइंट का प्रिपरेशन होता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे रूट गैप, यानी कि रूट गैप यहाँ पे ग्रीन कलर में देख सकते हो आपकी रूट गैप, यानी कि दो प्लेट जब जोड़ने के लिए सेंटर का जो गैप होता है उसको रूट गैप बोला जाता है. रूट गैप नॉर्मली 2 से 4 mm आप रख सकते हो. SMAW प्रोसेस में काम करते समय आप 2.5 से 3 mm तक रूट गैप रख सकते हो. दूसरा है आपका रूट फेस. रूट फेस यहाँ पे दिख रहा है कि रूट फेस आप 1.6 से लेके 2.5 तक रूट फेस मेंटेन कर सकते हो. प्लेट थिकनेस अकॉर्डिंग टू जॉइंट, जैसे कि आपकी प्लेट थिकनेस जॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए वो आपके जॉइंट डिज़ाइन में मेंशन होगी, तो यहाँ पे प्लेट थिकनेस क्या है वो दिखाया है. जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि रूट गैप, रूट फेस और प्लेट थिकनेस क्या है, फिर हम लोग ने देखा इंक्लूडेड एंगल क्या है, बीवेल डिग्री क्या है. अभी हम लोग फिर एक बार देखते हैं कि जॉइंट का प्रिपरेशन कैसे होता है. प्रिपरेशन ऑफ असेंबली डायमेंशंस के साथ अभी हम लोग देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे दिखाया है 45 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, यानी कि बीवेल डिग्री उसका हाफ हुआ, 22.5 डिग्री का बीवेल डिग्री हुआ. फिर यहाँ पे प्लेट थिकनेस दी गई है 20 mm की. असेंबली की जो लेंथ है वो लेंथ 300 है. रूट गैप विद बैकिंग स्ट्रिप, ये असेंबली का डिज़ाइन है. यहाँ पे रूट गैप 12 mm का दिखाया है. फिर हम लोग की जो बैकिंग स्ट्रिप है वो 24 mm की बैकिंग स्ट्रिप यहाँ पे लगाई हुई है. असेंबली की जो प्लेट है, प्लेट की विड्थ 150 mm की है. तो इसी तरह से जॉइंट डिज़ाइन का प्रिपरेशन आपके WPS में मेंशन होता है. जॉइंट प्रिपरेशन के बाद वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे और रूट रन, हॉट पास और कैपिंग के साथ ये असेंबली कंप्लीट हो जाएगी.